नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंस, हमारे खास एपिसोड कार्क एक्सप्रेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर के पेज पर किस तरीके से कैप प्लस एक्सेंट का यूज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से बाई डिफॉल्ट लगा सकते हैं, और कैप प्लस एक्सेंट क्या है इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें, और जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सके। दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दे हुए इस तरीके के लाल वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को जरूर दबाया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो। तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उनको ओपन करके हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कैप प्लस एक्सेंट को आप बाय डिफॉल्ट अपने क्वार्क एक्सप्रेस में कैसे सेट कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके के टेक्स्ट को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर पर किस तरीके से कैप प्लस एक्सेंट का यूज़ कर सकते हैं, और कैप प्लस एक्सेंट क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना क्वार्क एक्सप्रेस ओपन कर लेता हूँ, तो आप भी इस तरीके से अपना क्वार्क एक्सप्रेस ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू पेज, चाहें तो आप कंट्रोल एन से न्यू कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाकर के न्यू और डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आपके लिए न्यू पेज ओपन हो करके डायलॉग्स बार बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ओके करने के बाद न्यू पेज आप ओपन कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम सेट कर लेते हैं अपना फॉन्ट, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं हिंदी चाणक्य, और उसके बाद जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। और यहाँ पर अब हम टाइप करने जा रहे हैं हिंदी में कोई भी चीज़। दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम टाइप कर लेते हैं, और टाइप करने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैप प्लस एक्सेंट का क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राम के घर पर मेरा सामान रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि जो भी मात्राएं हैं वो सभी की सभी ऊपर की तरफ जा रही हैं, छुप गई हैं। अगर हम यही दूसरी लाइन में अगर टाइप करेंगे तो यही मात्राएं आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहां पर जो है वो मात्राएं दिखना शुरू हो गई हैं, और लेकिन जो फर्स्ट लाइन पर आपको मात्राएं नहीं दिख रही हैं, तो जी हां दोस्तों, ये इसको हम कैसे सेट करेंगे कि फर्स्ट लाइन में भी आपकी मात्राएं दिखना शुरू हो जाएं। दोस्तों, इसके लिए करना क्या आपको कि यहां पर एक कैप प्लस एक्सेंट का यूज करना है। तो अगर आप कंट्रोल एम प्रेस करते हैं और यहां पर जाते हैं टेक्स्ट पर, यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट बेस लाइन। जी हां दोस्तों, ये जो फर्स्ट बेस लाइन है इसमें दिया हुआ है मिनिमम, तो यहां दिया हुआ है कैप हाइट। तो इस कैप हाइट पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर दिया हुआ है कैप प्लस एक्सेंट, नीचे दिया हुआ है एक्सेंट। तो आपको यहां पर कैप प्लस एक्सेंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे तो जैसे ही आपने देखा कि कैप प्लस एक्सेंट हमने यूज किया, ऑटोमेटिकली वो सभी मात्राएं दिखना शुरू हो गई हैं, वो थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे की तरफ आ चुका है। तो दोस्तों, ये आप कैसे करेंगे कि आपको हर बॉक्स पर आपको करना ना पड़े। अगर आप यहां पर देखेंगे तो दोस्तों, यहां पर भी वही सेम चीज करना होगा जो आपने अभी किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मात्राएं सारी छुप रही हैं, यहां पर भी आपको फिर से वही करना होगा, कैप प्लस एक्सेंट लगाना होगा और उसके बाद ओके करना होगा। दोस्तों, ये चीज आपको बार बार ये प्रक्रिया अपनानी होगी फर्स्ट लाइन के लिए। अब दोस्तों, ये हम बार बार ना करना चाहें और ये हर बार ऑटोमेटिकली तरीके से हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर एक पर्टिकुलर पेज पे करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, और आपको ये बाय डिफॉल्ट करना है कि जो कोई भी पेज हम न्यू भी क्रिएट करें तो वो हमारा कैप प्लस एक्सेंट के साथ ही न्यू पेज क्रिएट हो। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आप चलिए मैं अपना जो है क्वार्क एक्सप्रेस वो बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फिर से ओपन कर लेंगे अपना क्वार्क एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम अपना क्वार्क एक्सप्रेस ओपन कर रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर क्वार्क एक्सप्रेस ओपन हो चुका है, और अब आपको करना क्या होगा,
सिंपल सा जो टूल बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर हम जो है रेक्टेंगल टेक्स्ट टूल बॉक्स को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इस टूल बॉक्स के ऊपर और यहाँ पर जो है आपको ये बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। और इस बॉक्स पर हम चूंकि ये टूल्स हैं तो यहाँ पर हम टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जैसे ही टूल्स के ऑप्शन पर जाएंगे आपके सामने यही टूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस टूल्स पे हम जो है जो पहला टूल्स हमारा है ये वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टूल है यहाँ पर, और यहाँ पर हम मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद फिर से हम आएंगे मॉडिफाई वाले बॉक्स पर और यहाँ पर हम करेंगे टेक्स्ट पर क्लिक और ये जो दिया हुआ है फर्स्ट बेस लाइन मिनिमम, दोस्तों मिनिमम पर जो है हम इसको कैप प्लस एक्सेंड लगा देंगे और यहाँ पर जो है ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कोई भी हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैप प्लस एक्सेंड लग करके आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि हमने न्यू पेज ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम अपना फॉन्ट भी लगा दिए हैं और अब आप देखेंगे कि जो भी करेक्टर हैं उस पर जो है ऑटोमेटिकली लग करके आया हुआ है। तो अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर मात्राएं नीचे कट तो नहीं रही हैं और तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सभी चीज सभी मात्राएं हमको शो हो रही हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सभी मात्राएं शो हो रही हैं, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो भी बॉक्स आप नया भी ड्रॉ करेंगे अगर जो तो यहाँ पर भी वही सेम चीज आएगा और यहां पर भी आपको बार बार कैप प्लस एक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर जो मात्राएं हैं वो यहां पर मात्राएं भी जो है ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ गया है टेक्स्ट और आपको मात्राएं सारी शो होने लगी हैं, कोई भी मात्राएं कट नहीं रही है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेज पर बाय डिफॉल्ट कैप प्लस एक्सेंट लगा सकते हैं और अपनी सभी चीज़ों को सही तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चीज़ ना समझ में आए तो हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में बताइए कि आज के इस वीडियो से कि आपने कुछ नया सीखा, कि आपने कुछ नया जाना। दोस्तों अगर वीडियो के किसी पार्ट में कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्टिकल एंड को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। दोस्तों वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाते रहें और आपको नया नया ज्ञान बांटने की कोशिश करते रहें। दोस्तों बिल्कुल आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ताकि आपके साथ साथ वो भी ये जानकारी हासिल कर सकें। दोस्तों अगर आप एक अमेजॉन यूज़र हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे प्रोडक्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो आप उनको ओपन करके आप वो प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। आपको अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो उसका लाभ जरूर मिल जाएगा और अगर ऑफर नहीं भी चल रहा है तो आपके प्राइसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमारे इस लिंक से बाय करते हैं तो आपकी तरफ से हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल देर ना करें और आप इसे ओपन करके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।